गाइस, तो यहाँ पे हमने अपना रिटेंशन सीरीज शुरू कर दिया है और मैंने यहाँ पे दो टीम्स पटना पायरेट्स और बेंगलुरु बुल्स का पहले रिटेंशन और रिलीज प्लेयर का कवर कर दिया है वीडियो। अगर आपको वो देखना है तो आप सिंपली डिस्क्रिप्शन में जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दोनों का लिंक डाल दिया है, तो आप दोनों को देख सकते हो। तो ये वीडियो होने वाला है दबंग दिल्ली के किन प्लेयर्स को रिटेन कर सकते हैं और किन प्लेयर को रिलीज करके ऑक्शन के लिए छोड़ सकते हैं। और चलिए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहला बात, सबको पता है दबंग दिल्ली चैंपियंस है सीजन 8 के, तो डेफिनेटली चैंपियंस है तो वो चाहेंगे मैक्सिमम कोर अपना बना के रखे, उनको रिटेन करें। तो सबसे पहले बात करते हैं किन रेडर्स को दिल्ली को रिटेन करना चाहिए। सबसे पहला नाम है यहाँ पे नवीन कुमार का, और कोई डाउट नहीं है नवीन एक्सप्रेस रिटेन होने वाले, और मुझे भी ऐसा लगता है ऐसा होगा। और 90 लाख में इनको रिटेन करा गया था सीजन 8 में, और इस साल दबंग दिल्ली को 1.2 करोड़ देना पड़ेगा और कोई बड़ा डील नहीं होने वाला है। दबंग दिल्ली 100% इनको रिटेन करेगा जिस तरह के फॉर्म में थे। जरूर कुछ इंजरी का यहाँ पे हुआ था कुछ 5-6 मैचेज में, लेकिन नवीन बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया, अच्छा कमबैक किया, और इनका बहुत बड़ा रोल था दबंग दिल्ली के 2-3 साल से जितना सक्सेस यहाँ पे दबंग दिल्ली को मिला है उस पे यहाँ पे नवीन कुमार का बहुत बड़ा हाथ है। अब बात करते हैं दूसरे रेडर जिसे दबंग दिल्ली को रिटेन करना चाहिए, तो वो मेरे हिसाब से होने वाले हैं नीरज नरवाल। बहुत अच्छा परफॉर्मेंस लगा यार इस युवा प्लेयर का, लास्ट डे भी रिटेन हुए थे 10.86 लाख में इनको रिटेन करा गया था। इस बार अगर रिटेन करेंगे तो मुझे लगता है कि 5-6 लाख ज्यादा देना पड़ेगा, करीब 16-17 लाख देना पड़ेगा नीरज नरवाल को, और मेरे हिसाब से रिटेन होंगे। बहुत अच्छे फॉर्म में लगे, डुबकी बहुत अच्छा लगाते, तो मेरे हिसाब से दूसरे रेडर ये हो सकते। तीसरे प्लेयर मेरे हिसाब से जो एक्सपेक्टेड नहीं है उतना, लेकिन हो सकता है आसू मलिक को भी कर ले। इनको 7.88 लाख में एनवाईपी कैटेगरी में खरीदा गया था ऑक्शन में, तो इनको 10 लाख देके दिल्ली कर सकता है रिटेन। इनका कुछ कुछ स्किल जो है ना भाई, वो नवीन जैसा मैच करता है, लेकिन आसू मलिक शायद ही वो परफॉर्मेंस उतना नहीं आया, देखते क्या होता है, लेकिन इन पे भी कर सकता है। अगला रेडर, चौथा और इन द फाइनल रेडर मेरे हिसाब से मनजीत है। ये लास्ट के कुछ मैचेस में सब्स्टिट्यूशंस में आते थे, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है, स्पीड है इनके पास, और 10 लाख में मतलब इनको कर सकता है। 8 लाख में खरीदा गया था, 7.5 में आई थिंक खरीदा गया था, इनको 10 लाख देके इनका भी चांस हो सकता है, आई एम नॉट श्योर, लेकिन हो सकता है रिटेन हो जाए। डिफेंडर्स के बारे में बात करें तो सबसे पहले डिफेंडर जो रिटेन होने चाहिए एक्सपीरियंस माइटी मनजीत चिल्लर। मनजीत चिल्लर को यहाँ पे बेस प्राइस 20 लाख में खरीदा गया था मेगा ऑक्शन में, तो इस बार मनजीत को रिटेन करेंगे तो इनको 23 लाख देना पड़ेगा, और मेरे हिसाब से बड़ा डील नहीं होने वाला है, मनजीत चिल्लर यहाँ पे रिटेन होंगे। अब मैक्सिमम फैंस ये सोच रहे होंगे कि मनजीत चिल्लर का वो लास्ट सीजन था, लेकिन भाई ऐसा नहीं है। मनजीत चिल्लर अभी मेरे हिसाब से और 3-4 साल और खेलेंगे कबड्डी, क्योंकि ही इज ओनली 35 राइट नाउ, और फॉर्म भी आया है मनजीत का, और मनजीत को यहाँ पे कैप्टन भी बना सकता है दिल्ली रिटेन करके। अब बात करते हैं दूसरे डिफेंडर जो कि होने वाले कृष्ण धूल। कृष्ण धूल को यहाँ पे 7.88 लाख में खरीदा गया था ऑक्शन में एनवाईपी कैटेगरी में, तो अगर इनको रिटेन करना है तो दिल्ली को 10 लाख देना पड़ेगा, और मेरे हिसाब से कृष्ण धूल रिटेन होंगे। अच्छे प्लेयर है, बहुत अच्छा इनका लेफ्ट कॉर्नर में भी खेल लेते हैं, राइट कवर में भी खेल लेते हैं, तो मेरे हिसाब से कृष्ण को भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं ऑलराउंडर्स, तो दो बड़े ऑलराउंडर्स इनको रिटेन कर सकता है। पहले डेफिनेटली होने वाले विजय मलिक, और विजय मलिक यहाँ पे मेरे हिसाब से लगभग कन्फर्म है रिटेन होंगे, बहुत अच्छे प्लेयर है। इनको 45.1 लाख में रिटेन करा गया था लास्ट सीजन में भी, तो इस बार इनको 49 लाख देना पड़ेगा, और विजय मलिक यहाँ पे रिटेन होने वाले ऐसा अपडेट निकल के आ रहा है। बहुत अच्छे फॉर्म में थी, नवीन के बहुत अच्छा सपोर्ट रेडर ये भी थे यार विजय मलिक, और फाइनल में फाइनल के हीरो मेरे हिसाब से विजय मलिक थे, बहुत अच्छा सपोर्ट किया, और बार बार चियाने को इन्होंने बहुत बार आउट किया, तो इसीलिए विजय मलिक का परफॉर्मेंस को देखते हैं विजय मलिक पहले ऑलराउंडर होने वाले, रिटेन होने वाले। अब दूसरे ऑलराउंडर जो कि वन ऑफ माय फेवरेट ऑलराउंडर संदीप नरवाल का नाम आता है, इनको 60 लाख में खरीदा गया था ऑक्शन में, तो अगर इनको रिटेन करना है तो 63 यानी 63 लाख देना पड़ेगा, तो शायद ही संदीप नरवाल रिटेन हो। मेरे हिसाब से इनको ऑक्शन में एफबीएम यूज कर सकता है अगर कम पैसे में मिल जाए, लेकिन देखते हो सकता है संदीप नरवाल को कर ले, तो देखते हैं, क्योंकि पर्स भी अब देखना पड़ेगा, क्योंकि अभी न्यूज तो यही है मेगा और मिनी में ऑक्शन में, तो मिनी ऑक्शन होने का चांसेस ज्यादा है इस साल, लेकिन अभी तक हम लोग कुछ मान नहीं सकते जब तक कोई प्रो कबड्डी मसाज स्पोर्ट जब तक कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं करता, हम लोग कुछ नहीं मान सकते। ये ऐसे प्लेयर है जो रिटेन हो सकते हैं मेरे हिसाब से, जिसका चांस बन सकता है। अब हम आपको बताएंगे कि किन यहाँ पे प्लेयर्स जो कि रिलीज होने वाले हैं। तो रेडर्स में यहाँ पे दो नाम है, इमाद सहगत निया और सुशांत शेख। ये दो रेडर्स को दबंग दिल्ली एकदम श्योर है रिलीज करने वाले, कोई परफॉर्मेंस नहीं आए और दिल्ली अपना कोर में इन दो प्लेयर्स को रिलीज करने वाला है। डिफेंडर्स में बड़े बड़े नाम आ रहे हैं, जीवा कुमार, जोगिंदर नरवाल, मोहित, विकास, विनय और दीपक। इसमें दो बड़े नाम है जीवा और जोगिंदर का, जो कि बिल्कुल फॉर्म में नहीं दिखे, खासकर के जीवा कुमार और जोगिंदर नरवाल, ये दो बड़े नाम है, और
बाकी के प्लेयर भी रिलीज होने वाले हैं। ऑलराउंडर कैटेगरी में दो नाम है, बलराम और मोहम्मद मलक। ये दो प्लेयर्स भी रिलीज होने वाले हैं और ऐसा ही खबर निकल के आ रहा है कि ये दो ऑलराउंडर को भी दिल्ली रिलीज करने वाला है। आपको ये वीडियो में कुछ ऐसे प्लेयर्स दिख रहे होंगे जिनका नाम नहीं होगा, तो हो सकता है वो रिटेन हो जाए, लेकिन एक और नाम मैं भूल गया यहाँ पे रेडर्स में, अजय ठाकुर भी यहाँ पे रिलीज होने वाले। डेफिनेटली मैं अजय ठाकुर का बहुत बड़ा फैन हूँ, लेकिन फॉर्म नहीं है अजय ठाकुर का, इसीलिए यूज भी नहीं किया दिल्ली ने उतना। और मुझे लगता है कि अब नवीन और विजय दो परफेक्ट रेडर है, डुओ हो जाएंगे दिल्ली के लिए। तो ये है दिल्ली के रिटेन और रिलीज प्लेयर। आपके हिसाब से कौन से प्लेयर रिटेन और रिलीज होने चाहिए कमेंट में जरूर बताइएगा।